सिंह, क्या हालचाल है आपका? आई होप क्या सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सब। आई होप कि आप हमारे ब्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, हमें सपोर्ट आप कर रहे हैं माशाल्लाह से, अच्छा लग रहा है, आपका अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। इसके अलावा आप और भी हमें सपोर्ट कीजिए, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपनी आवाज हमें जो है वो आगाह कीजिए कि क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और क्या चीजें आप देखना चाहते हैं और क्या चीजों की, किन चीजों की हमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए अपने इस ब्लॉग में। इसके अलावा आप हमें बता दीजिए, मिलने के लिए आई हूँ, कैसे ये आ गई मेरी पार्टनर? मैं आ गई। तो आप क्यों नहीं आई थी पहले ये बताइए? मैं बस ऐसे नहीं आई थी। आज आप बस अच्छा चले, तो आज हम पता है क्या बताने जा रहे हैं? आप बताएं क्या बताने जा रहे हैं? आज के बारे में बताने जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बताने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको आपसे प्रॉमिस किया था ना इससे कि हम लोग जो है वो दराज के बारे में बताएंगे, दराज की ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बताएंगे। तो एक चीज तो मैं बता चुकी हूँ और दूसरी चीज के बारे में बतानी चाह रही हूँ। मेरे पास डिफरेंट पैकेट्स हैं जिसके मैंने ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके पास आपको हमारे इसी ब्लॉग वाले चैनल में इसके बारे में, जो सोनी का मैंने हेडसेट दिया था जबकि जिन्होंने मुझे कहा था दिखा दिया था माइक होगा लेकिन वो माइक नहीं था, उसके बारे में पूरा रिव्यू दे चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। आप जाकर चेक कीजिए ठीक है, सोनी का हेडसेट के बारे में तस्वीर के बारे में। और इसके अलावा ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ये देखिए ये तो हो गया, ये मैं आपकी बात में बताऊँगी, ये वाला मैं आपको बता जी। इसके साथ ये जो मेरे पास पैकेट है, जो चीज मैंने मंगाई थी, इसके साथ एक बुरा सा बहुत बुरा सेट जी है, क्योंकि ये मैंने हेयर ऑयल मंगाया था मगर इसमें क्या हुआ था मेरे साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल दराज से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका अपना नाम होता है, यानी कि वो आपने मंगा लिया ठीक है ना। देखिए ये भी आप आ रहे हैं अच्छा, जैसे ये होता है ना कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आप आ लिया है, आपकी चेयर भी आपको देखने आई थी, क्या करें आप तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे जल्दी से, जल्दी से मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत शदीद प्यास लगती है, जल्दी से शाबाश। ये आई है ना तो थोड़ा सा काम भी करा लूँ ना, छोटे आते ना आपको तंग करने आई हूं, प्यास लग रही है मुझे, प्लीज काइंडली मेरे लिए बहुत लेके आई ना, नहीं जीरा पानी लेके आई नहीं, ठंडा सा एक गिलास पानी लेके आइए। मैंने आपको जब दिया था तो इन्होंने लिख दिया था, तो अभी ये पानी का पानी लेके आएंगी और जो है ना ये अभी ऐसे कहती है, फिर उसके बाद बहुत प्यास लगी, बहुत शदीद पानी, ये क्या है? जब तक ये जाती है पानी लेकर आती मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से जाइए जी। तो मैं कैमरे के आगे से जा रही हूँ जी जी जी, ये आपको वाली बच्ची है इनकी बात को बुरा मत मानिएगा। अच्छा तो मैंने जब हेयर ऑयल मंगाया था, जैसे कि मैं हमने आपको बताया था, जब आप फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग का के बारे में आपने जो है वो सेंड कर दिया कि ये मुझे ऑर्डर कर दिया ठीक है, कि ये चीजें आपको चाहिए ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह ऑर्डर किया कि मुझे ये चीज चाहिए ठीक है। जब मैंने ऑर्डर किया सब कुछ सही था, मैंने 200 ml की बॉटल जो थी वो हेयर ऑयल की मंगाई ठीक है। मैं इसके बारे में पहले आपको कहानी बता दूंगी, फिर उसके बाद शॉपिंग की क्या चीज़ है। 200 ml की मेरे पास जो थी ना वो बॉटल मैंने मंगाई थी, 200 ml की बॉटल जो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि सही है इतनी प्राइस है, ये प्राइस है और हम जो है आपको भेज देंगे ठीक है। उसकी प्राइस थी 249 ठीक है, जो हेयर ऑयल मैंने मंगाया था 249 ठीक है। वो उन्होंने मुझे बताया कि 200 ml की बॉटल है और आपको ये देखिए पानी आ गया, ठंडा ठंडा पानी लाइए, बर्फ ही आएगी इसके अंदर, इसमें बर्फ ही है, पानी है, कुछ पानी में पीलू, पानी मिल गया, पानी मिला। दराज का रिव्यू हो रहा है क्योंकि मुझे इस वीडियो में सीरियस होते हैं सब लोग, तो इसलिए मुझे इस वीडियो में मजा नहीं आता था।
मैं काम करती हूँ। नहीं नहीं पानी लेके जा रही क्या बता। ये पानी आप लोगों को नहीं दूंगी, फिर मैं आपको रख देती हूँ। पानी रख दीजिए, मैं पीऊंगी। अच्छा तो क्या होता है, ये शरारती बहुत ज्यादा करती है। मैं आपको कुआं से परेशान हो जाऊंगा, बंद करके चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ कि मैंने 211 की मूवी का कि आपको उसी से वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने वेट किया, जैसे एक हफ्ते का टाइम होता है तो चाहे वो 4-5-6 दिन का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके अंदर जो है वो मैंने ऑर्डर यानी कि बुक कर दिया, और उन्होंने ये मुझे बताया कि यहाँ आ जाएगा। अच्छा, दराज की बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना जो आप तक पहुँचती है, वो लेपर्ड एक कंपनी है जिससे जो यानी कि TCS समझने का मेहमान की जिस तरह से TCS की कंपनी है, इसी तरह लेपर्ड की भी एक कंपनी है, ठीक है। उसके थ्रू जो है ना ये हमारे घरों तक जो है वो पहुँचाते हैं डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वो के साथ यानी कि ये क्या होगा, प्रेपरेशन क्या होगा कि आप जो है वो घरों तक ये चीज़ें पहुँचाते, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने लेपर्ड के थ्रू जो पहुँचाया, लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ हो ऐसा। एक तो मैंने जो हेयर ऑयल मंगाया था वो बगैर रिव्यू पढ़े मंगाया था, यानी कि उसका कोई रिव्यू नहीं था, वहाँ पर कोई रिव्यू नहीं दिया था, कुछ भी नहीं बताया था कि यहाँ पे ये कैसी चीज़ें होती हैं, क्या कुछ आता है। तो मैंने बगैर रिव्यू किए, क्योंकि वो नया यानी कि मैं अलग से हेयर ऑयल मंगा रही थी, यानी कि वो पहले ही दफा से मैंने मंगाया था, या किसी कस्टमर ने मंगाया भी होगा तो उसका रिव्यू नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने लेकिन मंगा दिया था क्योंकि मुझे चाहिए था, और जब वो मेरे पास पहुंचा तो उनकी चालाकी देखिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने यानी अभी मेरा न्यू एक्सपीरियंस है, मैंने न्यू जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का आगाज किया है। तो मैंने क्या किया, मैंने बगैर देखे जैसे ही आया तो उसमें मुझे कहा 400 रुपीज आप हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि कार्ट में जब आप मंगाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें एक साथ आती हैं, ठीक है ना। जैसे आप कार्ट में बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं तो वो एक साथ आ देते हैं और फिर उनकी पूरी प्राइस बताते हैं। तो मुझे ये लगता था 600-700 तक की मेरी जो है ना वो प्राइस रेंज जो आए थे, ठीक है, उतने जो है वो पैसे की जो है ना वो मेरे पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये एक सिंगल जो ऑयल आ रहा है इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जब आया तो उस आदमी ने जो लेपर्ड किया था, जो ऊपर तक जिसने मुझे पहुँचाया था, उसने मुझसे 400-500 रुपीज मेरे पास थे, लेकिन 400 रुपीज उन्होंने ला के लेकर आए, ठीक है। मेरा भाई गया था, उसने उसको 400-500 रुपीज दिए, तो उसने 100 रुपीज वापस किए, और इसके अलावा उसकी ये चालाकी मैं आपको बता दी, उसने कहा कि कहाँ से यानी कि यहाँ से गिफ्ट है, यानी कि ये वो चाह रहा था कि जल्दी से आ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि रिसीट बाहर जो है वो यहाँ पर इसके बाहर जो लगी होती है वहाँ पर प्राइस लिखी होती है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और मेरे भाई को भी आइडिया नहीं था। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर आपकी जो है वो इस वाली साइड में जो उल्टी वाली साइड है वहाँ पर दराज की पूरी रसीद लगी होती है, कितने प्राइस शिपिंग चार्जेस के बाद ही आपको वो जो है वो वहाँ पे प्राइस रेंज आपको बता देते हैं, यहाँ पर पता होता है हर चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि और कब आप सब पहुँची है, यानी कि ये सब चीज़ें पता होती है, ठीक है, सब लिखी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देख लेंगे तो आपको इस जिस तरह से मेरे से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये 318 रुपये का था, ठीक है। 318 रुपीज को जो लेपर्ड कंपनी का यानी कि जो पहुँचाने आया था उसने मुझसे लिए 400 रुपीज। तो ये यहाँ पर एक यानी कि धोखाबाजी हुई है इतिहास से। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, जो हेयर ऑयल था, अगर वो आप लिखें तो उसके अंदर मुझे लिखा है वो 100 ml है, और इसके अलावा इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 110 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बेईमानी हुई है, देखें, क्योंकि 200 ml की बात हुई थी, प्राइस भी उसी के हवाले से उसी तरह के यानी कि उन्होंने चार्ज किए थे, तो आपने 100 ml की बॉटल दी मुझे, और दूसरा ये कि वो 110 रुपीज की थी, ठीक है, 110 रुपए की थी, और उन्होंने वहाँ पे मुझे क्या कहा, 249 रुपीज, ठीक है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे जो है जो सिंगर होते हैं वो बहुत ज्यादा बेईमानी करते हैं, तो आपने चीज़ों का जरूर ख्याल रखना है, लेकिन रिव्यू जरूर देना है, ताकि जो अगले कस्टमर होंगे, अगले जो जिस तरह के हम जैसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होता, वो आपके रिव्यू पढ़ के कम अज कम वहाँ से वो चीज़ ना करें। बहुत अच्छे सीजन भी हैं, बहुत अच्छे चीज़ें भी मिलती हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन की जरूरत है, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि दराज वालों को जो है ऑनलाइन शॉपिंग जब भी कोई करता है तो उनको पर जो है पूरा भरोसा करके देता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोगों का दिल जो है वो खराब होता है ऑनलाइन शॉपिंग से,
और इंसान होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों से यानी कि नुकसान होता है। तो मैंने वहाँ पे दूर किए थे यानी कि दो जगहों से मेरे साथ जो है वो बेईमानी हुई है। एक यहाँ से, एक तो पहले जहाँ से वो चीज़ आई थी 200 ml की जगह पे 100 ml की बॉटल उन्होंने मुझे दी और 110 की बॉटल को 249 rupees उन्होंने कहा। और इसके अलावा जब लैपटॉप के जरिए से मेरे घर तक पहुँची तो उन्होंने मुझे जो है वो 400 rupees का मुझे मुझसे लिए और हालांकि इस पर लिखा 318 rupees था। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी समझदारी दिखानी, थोड़ी सी चीज़ों को समझदारी से डील करेंगे यानी कि आप पहले अगर आप तक पहुँचती है तो उसका वहाँ भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आपने फौरन से पहले रसीद चेक करनी है जो उसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने जो होती है वो लगाई होती है। ठीक है, वो रसीद आप चेक कर लेंगे तो आपके पैसे वहाँ तो बच जाएंगे कम से कम। लेकिन आपको मैंने ये सब बताना था क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी फैमिली है तो आपके आपका कोई भी जो है लॉस ना हो, कोई भी चीज़ें जो मेरे से जो है वो गलतियाँ हुई हैं वो आपसे ना हो और आप बिल्कुल सही से शॉपिंग करें और बिल्कुल सही से। और इसके अलावा आप रिव्यू जरूर दीजिएगा, जब आप रिव्यू देते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है ना। जी जी। तो अभी के लिए आई थिंक आपका आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था आप लोगों के हवाले से था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर इन्फॉर्मेशन आपको जरूर प्रोवाइड करूँ। जी जी, है ना। तो क्योंकि ये मेरी बहन है छोटी और ये सारी चीजें देख रही होती है, इनको सब पता होता है, तो इसलिए ये भी आमने आम मिला रही है, इनको पता है कि क्या क्या कुछ होगा। तो अभी के लिए मैं अभी इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपने भी कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या हुआ ऑनलाइन शॉपिंग में। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। आपने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और इन धोखेबाजियों से जरूर बचना है और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहना है जिस तरह से हम कर रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि क्या क्या चीजें आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हुई है, क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है ये भी बताइए ना, ताकि हमें पता चले कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें सही नहीं है और क्या करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, क्या क्या चीजें मैंने तो आपको शेयर कर दिया ना जो जो चीजें आपको करनी चाहिए। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपने रखना बहुत सारा ख्याल, मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी और हम मिलेंगे। आप मिलेंगे।